नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हेल्थ और मैं हूं प्रेरणा। बिना आरओ मशीन के घर पर इन तरीकों से पानी कर सकते हैं साफ। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए साफ पानी पीना काफी जरूरी होता है। दूषित पानी किसी को भी बीमार करने के लिए काफी है। यही वजह है कि घरों में पीने के पानी को साफ करने के अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। अब तो घरों में पानी साफ करने के लिए आरओ मशीनें भी लगने लगी हैं। हालांकि हर कोई आरओ मशीन का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन साफ पानी की दरकार तो सभी को ही है। तो दोस्तों, आप भी अगर पीने के पानी को साफ रखने के आसान उपाय खोज रहे हैं तो हम आपको पानी साफ करने की टिप्स बताने जा रहे हैं। इन्हें फॉलो कर घर में ही आप पानी से सारे कीटाणु मिटा सकेंगे। आमतौर पर बोतल बंद पानी को भी साफ स्वच्छ माना जाता है, लेकिन कई बार इसकी स्वच्छता पर भी सवाल उठ चुके हैं। ऐसे में घरों में नल के जरिए आने वाले पानी के पूरी तरह से साफ होने का ध्यान हमें ही रखना होगा। जैसे उबालकर पानी को उबालकर कीटाणु रहित करने का तरीका हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बताया था, जो आज भी काफी कारगर है। पीने के पानी को किसी बड़े बर्तन में रखकर गर्म करें। जब पानी तेज गर्म होकर उबलने लगे तो उसे लगभग 5 मिनट तक ऐसे ही उबलने दें। उसके बाद पानी को ठंडा करने के लिए रख दें। इससे पानी में मौजूद सारे कीटाणु मर जाएंगे और पानी पीने योग्य हो जाएगा। फिटकरी का प्रयोग। पीने के पानी को साफ करने का सस्ता और आसान तरीका फिटकरी का इस्तेमाल भी है। फिटकरी से पानी साफ करने के लिए पहले हाथ धो लें और उसके बाद फिटकरी को लेकर पानी की मात्रा के हिसाब से पानी में घुमाएं। ध्यान रखें कि पानी जब हल्का सफेद दिखने लगे तो फिटकरी घुमाना बंद कर दें। फिटकरी को कपड़े में लपेट कर भी पानी में घुमाया जा सकता है। दोस्तों, इससे पानी में मौजूद गंदगी तले में बैठ जाएगी और पानी पूरी तरह से साफ हो जाएगा। क्लोरीन। पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का काफी इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर घरों में आने वाले पानी को भी क्लोरीन से साफ किया जाता है। बाजार में क्लोरीन की गोलियां आसानी से उपलब्ध होती हैं। उन्हें डालकर पानी साफ किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि क्लोरीन की गोलियां डालने के बाद पानी को आधा घंटे तक इस्तेमाल न करें। ब्लीच। पीने के पानी को साफ करने के लिए ब्लीच का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए ब्लीच में सोडियम हाइपोक्लोराइड भी होना चाहिए। पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्लीच में खुशबू, रंग या कोई अन्य चीज नहीं मिली होनी चाहिए। इसका उपयोग पानी को गर्म करने के बाद करें। 1 लीटर पानी में 2 से 3 ब्लीच की बूंदें पर्याप्त होती हैं। इसी के साथ ऐसी हेल्दी टिप्स जानने और सुनने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हेल्थ। धन्यवाद।